मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं डिजियाना न्यूज में, जिसके प्रायोजक हैं बैजू केबल्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कैंट सड़क निर्माण कार्य में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर आमजन में रोष का माहौल है। वर्षों से कैंट सड़क के लिए संघर्ष कर रही कैंट सड़क निर्माण समिति के सदस्यों में सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर काफी रोष है। गौरतलब है कि उक्त सड़क, जो कि गुना ईसागढ़ स्टेट हाईवे का हिस्सा है, लेकिन उसे हाईवे के साथ नहीं बनाया गया। बाद में लगातार राजनीतिक पार्टियां, आमजन व सड़क निर्माण संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण उक्त सड़क के लिए राशि मंजूर हुई। इसके बाद जब सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सभी में खुशी का माहौल देखने को मिला, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जब लोगों ने देखा कि पुरानी सड़क पर ही नया डामर बिछाकर सड़क बनाई जा रही है, तो लोगों में नाराजगी साफ नजर आई। जबकि जानकारों की माने तो इस प्रकार किया गया कार्य गुणवत्ताहीन होता है। इस संबंध में सड़क निर्माण समिति के कार्यकर्ता मुरारी शर्मा से हमारी विशेष बातचीत हुई। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शहर में संघर्ष निर्माण समिति और आम जनता के सहयोग से की मांग को दृष्टिगत रखते हुए ये सड़क सेंक्शन हुई। सड़क के बनने की जो प्रक्रिया थी, जो हमारी मांग थी, उसके दरमियान अगर हम बात करें तो विभिन्न आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए ये मामला अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ। हमने जो आखिरी गुहार जिला प्रशासन को लगाई थी, जो आखिरी ज्ञापन संघर्ष समिति की ओर से जिला प्रशासन को दिया था, उसमें हमारे तीन बिंदु थे। हमारा पहला बिंदु यह था कि सड़क पूरी बने, जितना भी उसका दायरा है वे पूर्ण रहे, क्योंकि ये काम बार बार नहीं होते। तदुपरांत संघर्ष समिति के हम सभी लोग ने स्थानीय निवासियों को ये निवेदन किया कि वे इसकी निगरानी रखें। ये मुश्किलों से सड़क स्वीकृत हुई है और ये पूरी मुकम्मल बने, पूरी ताकत पर बने, ताकि आने वाले लंबे समय तक परेशानी का सामना गुना और गुना कैंट के लोगों को ना करना पड़े। किंतु इस बीच में प्रशासन ने भी अपना काफी इस संबंध में दृष्टिकोण उदार रखा और इस सड़क के लिए एक अतिरिक्त पैसा भी सेंक्शन कराया, ताकि सड़क पूरी बन सके। ये जानकारी जब हमें प्राप्त हुई, तदुपरांत हम लोगों ने ये कोशिश की कि इस बात की भी तय किया जाए कि सड़क गुणवत्ता के आधार पर पूरी हो। लेकिन ये देखा जा रहा है चंद दिनों से कि उस मामले में कुछ अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। कहीं कहीं ऐसा दिखाई देता है कि वे उसका पेचवर्क जो है साइट का, उसको छोड़ रहे हैं, वो बचे हुए हिस्से में काम कर रहे हैं। कहीं कहीं ये मालूम पड़ा है कि जो पुरानी रोड डली हुई थी, जो डामर पुराना हुआ था, उसी पर रोड डाल रहे हैं। हमारा निवेदन था जिला प्रशासन से कि तकनीकी लोग इसकी न केवल जिम्मेदारी लें, बल्कि इसकी लगातार निगरानी रखें। शहर के लोगों में, संघर्ष समिति के लोगों में जो लोग रोड से प्रभावित होने वाले हैं, एक असंतोष व्याप्त हो रहा है। इस असंतोष के दृष्टिकोण से हमारा कहना यह है, हम आज भी संघर्ष समिति के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन को कि वे पुनः इसकी निगरानी की ओर तुरंत ध्यान दें। हम ये भी चाहते हैं कि जितना पैसा प्रशासन ने इस हेतु स्वीकृत किया है, उस एक एक पैसे का सदुपयोग किया जाए। हम ये भी चाहते हैं कि उस सड़क के निर्माण में अगर कहीं कोई अवरोध है, कोई बाधा है, कोई अतिक्रमण है, उसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। जो सड़क हनुमान चौराहे से ईसागढ़ तक के लिए स्वीकृत हुई थी, ये धोखा हमारे साथ पहले भी हो चुका है कि दो बार, एक बार ठेकेदार उसको छोड़कर भाग गए, कोई जिम्मेदारी नहीं हुई, ना प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है, ना उस संबंध में किसी पर भी कोई जो बात तय होनी चाहिए थी वो ना हुई, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। दूसरी बार वर्तमान ठेकेदार ने जो सड़क उन्हें हनुमान चौराहे से ईसागढ़ तक बनानी थी, उन्होंने उस सड़क को अधूरा छोड़कर, 5 किलोमीटर छोड़कर सिर्फ हवाई पट्टी तक को बनाया, और आज भी उस पूरी रोड का पैसा नाके के माध्यम से, टोल टैक्स के माध्यम से वसूला जा रहा है, जो गलत था, जिसकी ओर हम प्रशासन का ध्यान अग्रसित करा चुके थे। शायद उसी का नतीजा था। इसमें हमारी तैयारी ये भी थी कि अगर ये सड़क निर्माण नहीं हुआ तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। आज भी हम पुनः प्रशासन को ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस सड़क की गुणवत्ता की ओर पूरा ध्यान दें। अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया तो हम संघर्ष समिति के लोग इस बात के लिए तत्पर हैं कि हम इस हेतु न्यायालय की शरण में आए, अथवा आने वाले समय में अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ा तो हम उसको करेंगे। मैं रिजियाना केबल
कि टीवी के सभी साथियों को इस हेतु बधाई देता है कि वो लगातार इस बात के लिए अग्रसर है कि शहर में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनके प्रति वो आवाज उठाते हैं। मैं विधायक भारती है और उनकी पूरी टीम को इस हेतु बधाई देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे हम सबके माध्यम से इस आवाज को और आगे बढ़ाएं ताकि इस सड़क की गुणवत्ता का पूरा पूरा ध्यान रखा। आरोन क्षेत्र के रिजोदा रोड पर पड़ी मिली नवजात बालिका। गुना जिले के आरोन क्षेत्र के रिजोदा रोड पर एक नवजात बालिका के मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर डायल 100 पहुंची एवं बालिका को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर के अनुसार बालिका 3 घंटे पहले ही जन्मी थी। घटना सुबह लगभग 9:45 की बताई जा रही है। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची का वजन कम होने के कारण उसे गुना रेफर कर दिया गया है। एक तरफ तो देश की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं शर्म की बात है कि देश में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नवजात बच्चे को सिर्फ इसलिए फेंक देते हैं कि वो एक बच्ची है। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। दीदी बोलो ना सर, क्या मामला हुआ था? एक नवजात जो फीमेल बच्चा है, नवजात शिशु को इसको 100 डायल से इसको लेके आए थे रिजर्वा रोड पर मिला है। बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसको अभी थोड़ा स्टेबलाइज तो किया है लेकिन उसका वजन काफ़ी कम है। अच्छा, उसको जिला चिकित्सालय के SNCU में रेफ़र किया। कितने बजे की घटना है सर? घटना का करीब ये 9:45 का घटना। 9:45, ठीक है। वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद व नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष पहुंचे जनसुनवाई में। वार्ड में आ रही पानी की समस्याओं के संबंध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद कविंद्र जगवीर चौहान व नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय वार्ड वासियों की समस्या को लेकर कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में पहुंचे। पार्षद ने बताया कि नगरपालिका द्वारा पानी के बिल की राशि में जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है, इसके बावजूद भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वार्ड में पानी की टंकी की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बावजूद भी नगरपालिका अध्यक्ष व CMO द्वारा टंकी का वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे उग्र आंदोलन के लिए उतारू हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय जी के साथ जनसुनवाई में हमने आवेदन दिया। वार्ड 18 में आज से 2 वर्ष पहले परिषद में पानी की टंकी स्वीकृत हो चुकी थी, वर्क ऑर्डर टेंडर हो चुका है, सब प्रथाएं हो चुकी हैं। ऐसा ही एक CC रोड के साथ है, परिषद में पास हो गई है, टेंडर हो चुका है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जी के द्वारा एवं नगरपालिका CMO द्वारा अभी तक उसमें वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है। ये हम एक तो जानकारी पूछने जाएंगे, ये लेटलाली क्यों हो रही है? क्या शायद आप ब्राह्मण विरोधी हैं? जो ब्राह्मण धर्मशाला है तो वहां तक इस कारण तो नहीं कि आप वहां पे रोड नहीं दिलवा लाए क्योंकि आप ब्राह्मण विरोधी हैं? तो हमने आपसे निवेदन करा, हमने कलेक्टर साहब से, कि CC रोड का और पानी की टंकी का, जब अपन ने पानी की टंकी का बिल 80 रुपए से 160 रुपए कर दिया तो फिर पानी की सुविधाएं भी वार्ड के वासियों को दी जाए। ये हम निवेदन लेके टंकी का वर्क ऑर्डर और CC रोड का वर्क ऑर्डर लेके आज कलेक्टर साहब के आज मिल रहे हैं। भाजपा की परिषद बनी है, आज तक उन्होंने जल कर में वृद्धि की है, कांग्रेस की किसी भी परिषद ने जल कर में वृद्धि नहीं की है। अगर आपने जल कर में वृद्धि की है तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था आप करें। पानी की टंकी का जो मसला 72 बिंदु के एजेंडे में हम पास करा चुके हैं, जब पास करा चुके हैं तो वहाँ वर्क ऑर्डर जारी हो गया, उसका निर्माण टंकी कराना चाहिए। 7 दिन का समय दिया, अगर 7 दिन के अंदर नगर पालिका ये नहीं करती है तो हम नगर पालिका घेराव करेंगे, नगर पालिका में तालाबंदी करेंगे, कांग्रेस उग्र आंदोलन पर उतारू होगी, इसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। हाईटेक गुना युवक कांग्रेस के कायल हुए सिंधिया।
अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर आए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विगत 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन जब वे कैंट स्थित एक निजी गार्डन में युवक कांग्रेस गुना के कार्यक्रम में पहुंचे तो वे खुद की हाईटेक स्वागत बेला को देखकर युवक कांग्रेस के कायल होते नजर आए। युवक कांग्रेस द्वारा पूरे कार्यक्रम की अपने ही अलग अंदाज में तैयारियां की गई थी। सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में वॉकी टॉकी एवं LED पर सांसद के वाचन का सीधा प्रसारण खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं स्वागत बेला में ड्रोन के जरिए पुष्प वर्षा की गई, जिससे कार्यक्रम में मौजूद भारी जनसमूह सहित खुद श्री सिंधिया भी इसके कायल हो गए। मैं बधाई देना चाहता हूं नौजवानों की टीम को। मैं देख रहा था जब एक एक को मैं सम्मानित कर रहा था, एक एक में कि चेहरे में एक ज्योति है, एक एक के चेहरे में एक अलग एक ऊर्जा है। और जो अभी अपूर्व ने कहा कि एक संगम है, सामना करने का संगम और एक टेक्नोलॉजी का भी संगम, ये पहली बार मैं उदाहरण देख रहा हूं कि कोई यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इतना सुंदर प्रदर्शन किया। हमारे नौजवान साथी सारे के सारे वॉकी टॉकी को लेके चल रहे। असली RSS और BJP का मुकाबला तो यही नौजवान। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को और उनके दल को, अगर आपके पास होलोग्राम है तो हमारे पास यूथ कांग्रेस है। ये अंतर है असली और नकली के बीच में। जब कोई नया उत्पादन आ जाता है मार्केट में, सभी लोग खरीदना चाहते हैं, सभी लोग देखना चाहते हैं, सभी लोग छूना चाहते हैं। और वही हाल हुआ था नरेंद्र मोदी जी से। और जब वो होलोग्राम आता था मंच पर, लोग छूना चाहते थे पर हाथ अंदर ही चला जाता था। और जो बात की जाती थी 56 इंच की छाती की, वो 56 इंच की छाती नहीं मिलता था जनता को, क्योंकि हाथ छाती नहीं दिखता था। और असली और नकली के बीच में अंतर। ग्राम सरखंडी से आए जनसमूह ने किया कलेक्टर का घेराव। विगत 2 दिवस पूर्व कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम सरखंडी में 2 पक्षों में विवाद का मामला प्रकाश में आया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर क्रॉस प्रकरण भी दर्ज कर लिया था, लेकिन मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। ग्रामीणों की माने तो एक पक्ष के लोग उन पर राजीनामे को लेकर दबाव बना रहे हैं और राजीनामा न करने की स्थिति में उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हैं। अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आज उक्त ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर महोदय को घेर लिया, जबकि कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। समस्या साहब, हमारे बच्चे ने काम कर रहे थे दूसरे महाराज के मजाक, हमारे बच्चा टीटो पीट पाट के हम रिपोर्ट कर गए साहब, और हम लोग बोले कि राजीनामा कर लो नहीं तुम्हें आग लगा देंगे। कौन ने पीटा? ठाकुर साहब गुंजित सिंह ने। फिर साहब रात के पहुंचे, मैं इतना बच गए, हम दुख गए। फिर एक दिन चले, सुबह चले गए पूरे पूरे जनता घर में आग लगा गए साहब, वर्षा चलाया हमारी टुकड़ी चली साहब अस्पताल भरती है। जब मट्टी पली थी अब जुड़ जुड़ के आ रहे हैं रात के ढट्टी बांध बांध के साहब हमें मार भी। पुलिस ने इसमें कोई मदद नहीं किया? कोई मदद साहब गई थी पुलिस, एक रोज तंग घंटा रोके थे हमका तो कपड़ी करके भी भगे आए थे, तो गांव में बैठे रहते साहब, हम डरे रहे भाई, पूरी आदमी छिक रहे काम से नहीं जा पा रहे, रास्ता छेड़ रहे साहब। गुर्जर ढाबा पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6ष्ठम दिवस गोवर्धन पूजन एवं रुक्मणी मंगल हुआ। गुर्जर ढाबा नारायणपुरा पर चल रही विगत 5 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा के 6ष्ठवें दिन गोवर्धन पूजन एवं रुक्मणी मंगल की कथा का व्यास
पंडित श्री चंपालाल जी महाराज ने किया। उन्होंने यह भी बताया कि जिंदगी अनमोल है, इसे प्रेम से जियो। व्यास जी ने कथा में बताया कि गुरु, माता, पिता तथा अतिथि मनुष्य के जीते जागते भगवान होते हैं। धन्य है वह संतान जो अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज इस आधुनिकता के युग में लोग अपने माता पिता को भूलकर मंदिर मंदिर ठोकर खाते फिर रहे हैं। आज प्रेम दिवस पर व्यास जी ने विशेष यह बताया कि आज युवा अपने माता पिता को प्रेम करने की जगह फिल्मों को देखकर अश्लीलता फैला रहे हैं। व्यास जी ने आज प्रेम दिवस के दिन भक्तजनों को मातृ पितृ पूजन करने की सलाह दी। जो भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चल रहे भव्य पंच कल्याणक का दूसरा दिवस गर्भ कल्याणक का है। इसी कार्यक्रम के तहत राजा नाभिराय व रानी मरुदेवी को आरोन तथा बाहर से पधारे हुए धर्मावलंबियों ने गोद भराई का कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ाया। तदुपरांत दोपहर के प्रवचनों के समय पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद दिया और सिरोंज में पधारने का आग्रह किया। मुनिश्री जी के प्रेरणा से पिछले 4-5 महीनों में गौशाला ने जो तेजी से विकास हुआ है और गौ माता की सही में देव रूप में जो सेवा हो रही है अद्भुत है। नौजवानों ने जो परिश्रम किया है, संतों का आशीर्वाद मिला है, अनुकरणीय है। एक मानव की सेवा जितनी नहीं हो सकती उतनी प्राणी की सेवा वहां पर हो रही है। इसको सबको देखना चाहिए और सबको उससे प्रेरणा लेकर के गौ माता की और समाज की सेवा में लगते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ, एक गौशाला हम लोग भी वहाँ सेवन संचालित करते हैं, गौ सेवा का आनंद लेते हैं। अधिक बोलने की आवश्यकता। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।